जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। प्यारे विद्यार्थियों, मैं महेश यादव आप सभी का आपके पसंदीदा आपके फेवरेट प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम यू ऑल ऑन योर फेवरेट प्लेटफॉर्म फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि द वेरी फर्स्ट टॉपिक फॉर ऑल कंपिटेटिव एग्जामिनेशंस सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इज गोइंग ऑन। दोस्तों, जिसको आप चाहे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बोल दो, चाहे आप इसको कॉनकॉर्ड बोल दो, आप चाहो तो इसको सिंटैक्स बोल दो। जैसा बोर्ड पर आप लोग देख पा रहे होंगे, व्हाइट बोर्ड पर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पार्ट 11 इज गोइंग ऑन। दोस्तों, इस टॉपिक को फ्रॉम बेसिक से लेकर एडवांस तक पहुंचाने की ड्यूटी अपन सब की थी और अपन उस काम को बखूबी कर रहे हैं। बीच बीच में वोकैबुलरी वाला सेशन भी आ रहा है, कोई भी टफ वर्ड आता है तो उसको तुरंत अपन लोग शेयर कर लेते हैं और प्रोनंसिएशन के बारे में भी निरंतर अपन लोगों को प्रयास करते रहना है। सो आर यू रेडी? लेट स्टार्ट विद इन ए ट्राइस। चलिए दोस्तों, आज अपन लोग चर्चा करने वाले हैं कलेक्टिव नाउंस की। कलेक्टिव नाउंस के साथ हम कौन सी वर्ब यूज करने वाले हैं, आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत तो इसके बारे में भी जानना बनता है कि समूहवाचक संज्ञा होती क्या है। दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा के बारे में दोस्तों आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कि क्या होती है, व्हाट आर कलेक्टिव नाउन्स। देखो दोस्तों, जब कभी भी अपन कलेक्टिव नाउन के बारे में बात करें तो सिंपल सी बात है, कलेक्टिव नाउन जैसे नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, ये कलेक्शन के बारे में बात करेगा या फिर मैं कहूं दोस्तों ग्रुप की बात करेगा, किसी का समूह बताने की बात करती। वो जो आपका कलेक्शन या जो ग्रुप है वो पर्सन का भी हो सकता है, पर्सन्स का भी हो सकता है दोस्तों, और थिंग्स का भी हो सकता है। तो आप बोल सकते हैं ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स और थिंग्स ही क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। बहुत एग्जाम्पल आप लोगों ने देखे हैं इसके, एक दो एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख देता हूं। जैसे जूरी न्यायाधीशों का समूह है, टीम आपके सामने आ गया, गवर्नमेंट भी एक समूह है दोस्तों, गवर्नमेंट आ गया, आपने क्रू देख लिया है, आपने दोस्तों क्लास देख लिया है, कमेटी आप लोगों ने देख लिया है, जूरी है, टीम है, गवर्नमेंट है, क्रू है, क्लास है, कमेटी है, एल्बम आ गया, क्राउड आ गया, एटसेट्रा, और भी बहुत नाउंस हैं दोस्तों। तो शुरू करने से पहले मित्रों, अपन लोगों को यह जान लेना अति आवश्यक है कि व्हाट आर कलेक्टिव नाउंस। तो आपने कह दिया कि कलेक्टिव नाउंस आर ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स और थिंग्स, ठीक है, ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स और थिंग्स ही मित्रों क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। आर यू गेटिंग मी? तैयार हो जाइए, रेडी रहिए और तो पूरे एनर्जेटिक तरीके से बी फोकस्ड, एक जगह फोकस्ड होकर स्टडी कीजिएगा, उसका मजा ही कुछ हो रहा है। आई से गॉट इट, समझ में आ रहा है मित्रों? दैट्स ग्रेट। दोस्तों, अब थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। नाउ द क्वेश्चन इज, आर द कलेक्टिव नाउन सिंगुलर और प्लूरल? ये प्रश्न हमारे सामने निकल कर आया कि जो कलेक्टिव नाउन्स होती हैं मित्रों वो सिंगुलर होती हैं या प्लूरल होती हैं। जानने के लिए जुड़े रहिए और देखिएगा, आज के बाद आपसे कलेक्टिव नाउन किसी भी तरह से गलत नहीं होगी। ये रहा दोस्तों आपका कलेक्टिव नाउन। ठीक है मित्रों, हमने डिस्कस किया कलेक्टिव नाउन्स के बारे में कि व्हाट आर कलेक्टिव नाउन्स। सो द वेरी फर्स्ट थिंग जो हमें आप लोगों से जाननी है वो ये है कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है या प्लूरल।
तो दोस्तों पहली बात तो मैं आपको यह बता दूं कि ये कलेक्टिव नाउन जो है वो मीनिंग किस प्रकार का देती है। दोस्तों कलेक्टिव नाउन यदि आपको यूनिटी का बोध करवाए या वननेस एकजुटता का बात करवाए या फिर किसी वन आइडिया का बात करवाए, याद रखना दोस्तों जब आपकी कलेक्टिव नाउन दोस्तों किसकी तरह यूज हो, ए सिंगल होल की तरह यूज हो, किसकी तरह यूज हो दोस्तों, एक सिंगल होल की तरह, एकजुटता की बात करें, तब आप लोग क्या देखेंगे दोस्तों कि ये जो आपके कलेक्टिव नाउन है मित्रों ये आपकी क्या होगी, इसको आप सिंगुलर नाउन मानने वाले हैं। और जब नाउन सिंगुलर है तो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है मित्रों, विशेष ध्यान देना है। ध्यान देना दोस्तों जब कलेक्टिव नाउन यूनिटी का, वननेस या वन आइडिया का बोध करवाए या एज ए सिंगल होल यूज हो तब इसको सिंगुलर नाउन बनेंगे। और आगे आपने देख ही लिया दोस्तों सिंगुलर ही वो क्या होगी दोस्तों, वर्ब होगी। आर यू गेटिंग मी? ऐसा आप लोगों को ध्यान में रखना है। आगे देखिए, लेकिन जब आपकी कलेक्टिव नाउन सेपरेशन की बात करें या फिर मैं बात करूं इंडिविजुअल मेंबर की बात करें, एक एक सदस्य की बात करें मित्रों, तब आप इसको क्या मानने वाले हैं, तब ये आपको डिवीजन का बोध करवाएगी मित्रों, अलगाव का बोध करवाएगी, तब आप इस कलेक्टिव नाउन को क्या मानने वाले हैं, प्लूरल नाउन मानेंगे और प्लूरल ही वर्ब मानने वाले हैं। ये रहा, इस बोर्ड पर एक एक चीज को मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया है दोस्तों। कलेक्टिव नाउन जो हैं वो दोनों होती हैं, वो सिंगुलर भी हो सकती हैं और वो प्लूरल भी हो सकती है, ये भी सही है और ये भी सही है। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट दोस्तों, समझ में आ रहा है आप लोगों को? कलेक्टिव नाउन जो है मित्रों वो सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। ध्यान देने की बात ये है, जब जब कलेक्टिव नाउन से यूनिटी का, वननेस या वन आइडिया का कोई ये डिनोट करे या रिफर करे, या मैं कहूं कि एज सिंगल होल की तरह यूज हो, तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब यूज होगी मित्रों। और यदि सेपरेशन, सेपरेशन का मतलब दोस्तों अलगाव की बात करें, ठीक है, या फिर एक एक सदस्य की बात करें, एक एक सदस्य की बात करें, तो इन दैट केस आप लोग देखने वाले हैं ये प्लूरल की तरह यूज होगा, डिविजन आते ही प्लूरल। ध्यान देना दोस्तों, जब जब ये सिंगुलर होगा तो इसके लिए आपके लिए जो प्रनाउन यूज करेंगे इस नाउन के लिए वो इट आएगा या दोस्तों इट्स आएगा, इन दोनों में से कोई एक प्रनाउन या फिर डिटरमिनर यूज होगा, ठीक है। फिर से देखिए, इट आ सकता है, इट्स आ सकता है या इटसेल्फ आएगा मित्रों, याद रखना इस पॉइंट को, ठीक है। आगे चल लेते हैं, लेकिन इनकी बात यदि अपन करें तो फिर प्लूरल है तो दे आएगा या फिर देम आएगा मित्रों, या फिर देयर आएगा या फिर देम सेल्व्स आएगा। आर यू गेटिंग मी? ऐसा आप लोगों को देखना है, ठीक है। इसके अलावा अब एक एक पॉइंट पर अपन लोगों ने डिस्कस कर लिया, क्या देखा एक बार फिर से आ जाओ, कलेक्टिव नाउन्स के बारे में देख रहे हैं, यूनिटी, वननेस या वन आइडिया का बोध हो या सिंगल होल की तरह यूज हो, तो आपने क्या देखा, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब आ गया, और यहां पर देखा इट इट्स इटसेल्फ आ गया है इनके लिए, और सेपरेशन या इंडिविजुअल मेंबर की बात करें डिवीजन की बात करेगा, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। कई बार हमें बहुत अच्छी हिंट मिल जाती है,
यदि इट आ रहा है या इट्स आ रहा है या इटसेल्फ आ रहा है तो सिंपली आप लोग बता सकते हैं कि सिंगुलर नाउन होगा। और यदि दे आपने दे देम देयर या देमसेल्व्स में से कोई भी एक आ जाए तो आप इसको क्या मान लेंगे, फिर प्लूरल मान लेंगे। मित्रों थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं आपको, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, इसी से आप लोग जान जाएंगे कि किस प्रकार से कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जैसे द गवर्नमेंट मेंट नहीं होगा, मंट होगा, गौर नहीं होगा, द गवर्नमेंट फिर से सुनिए दोस्तों, द गवर्नमेंट डैश चेंज्ड इट्स पॉलिसी its policy towards its neighboring countries। पहला सेंटेंस दोस्तों, the government has changed its policy towards its neighboring countries। The next sentence, the government changed their policy towards the neighboring countries। आगे चलिए दोस्तों, the jury is here the jury unanimous। जल्दी बताइए मित्रों, ऊपर दोनों में से हैज और हैव में से आपको फिल करना है। वेटिंग फॉर योर आंसर्स, जल्दी बताइए फटाफट। मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट। जल्दी बताइए दोस्तों, मेक इट फास्ट। आओ, द गवर्नमेंट डैश चेंज्ड इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स इट्स नेबरिंग कंट्रीज। द गवर्नमेंट, दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट आप लोग देख पा रहे हैं मित्रों, द गवर्नमेंट आ रहा है। आज काफी इंपॉर्टेंट है, हर एक लेवल के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बैंक और एसएससी रीट के स्टूडेंट्स विशेष फोकस करना इस चीज पर। द गवर्नमेंट डैश चेंज इट्स पॉलिसी, अब यहां इट्स आया, दोनों में गवर्नमेंट से मुझे नहीं पता चला तो मैंने क्या बताया था, इट्स आता है तो सिंगुलर लेगा, देयर आ रहा है तो प्लूरल आएगा। यहां पर इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स इट्स नेबरिंग कंट्रीज, और यहां पर मित्रों देयर पॉलिसी, ठीक है, टुवर्ड्स देयर नेबरिंग कंट्री। तो मित्रों यहां पर आप देखना, इट्स आया है तो हैज आ जाएगा, और यहां पर क्या आने वाला है, देखो हैव आ गया है। आर यू गेटिंग मी, एनी प्रॉब्लम माय डियर? विशेष फोकस करना, द जूरी डैश नॉट यूनेनिमस, ठीक है, पहले इस शब्द को सीख। अब इसमें ना तो इट्स आया ना देयर आया, अब तो हमें क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों, मीनिंग निकालना पड़ेगा। देयर और इट्स से हिंट नहीं मिले तो देखो कि वो क्या पूरे वननेस, एक आइडिया, ठीक है, एक मत या एक विचार को रिप्रेजेंट कर रही है, अलगाव को बात कर रहे हैं। तो देख लो दोस्तों, क्यों ना हमें इस शब्द को देखना पड़ेगा, यूनैनिमस। आ जाइए दोस्तों, एक नए स्लाइड के माध्यम से पढ़ा रहा हूं, यूनैनिमस मित्रों एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब ही होता है यूनाइटेड,
या फिर मैं बोलूं दोस्तों अनडिवाइडेड, ठीक है, या मैं फिर बोलूं विद वन वॉइस, या फिर मैं बोलूं दोस्तों कॉन्कॉर्डेंट। ये रहा, जिसका मतलब हो गया एक मत, एक राय या सहमत। ये रहा दोस्तों एक मत, एक राय। आर यू गेटिंग मी? इस प्रकार से विद वन वॉइस बोल दिया। और जब इसके अपोजिट की बात करें तो अपोजिट आप लोग खुद देखते हैं, डिवाइडेड या फिर एट ऑड्स, अलग अलग। ऑड नंबर आपने पढ़े, इवन नंबर और ऑड नंबर, सम और विषम, ठीक है दोस्तों। जो चीज फुली इन अग्रीमेंट होता है, यूनैनिमस होगा इसका प्रोनंसिएशन, ध्यान दे लेना दोस्तों, अनएनिमस नहीं है, यूनैनिमस याद रखना मित्रों। तो इस शब्द ने मुझे बहुत अच्छी हिंट दे दी है, जिसके माध्यम से मैं आसानी से समझ सकता हूं द जूरी नॉट यूनैनिमस, नॉट एकमत नहीं है, बोले तो अलगाव है दोस्तों। अलगाव होने के कारण मैंने यहां पर आर इंसर्ट कर दिया है। और उसी प्रकार से द जूरी डैश यूनैनिमस, तो यहां पर क्या आएगा, एज। यूनैनिमस का मतलब एक मत या एक राय। तो दोनों सेंटेंसेस का सब्जेक्ट सेम होने के बावजूद भी आप लोग वर्ब अलग अलग इनमें इंसर्ट कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। तो अलग अलग वर्ब सप्लाई करने का सिंपल सा मतलब मित्रों क्या हो गया है, सब्जेक्ट हो गया है। एक बार ढंग से पढ़ लीजिएगा, हमेशा के लिए ट्रीटमेंट हो जाएगा, इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। वंस यू हैव डन योर कॉन्सेप्ट, तो फिर आगे आपको कोई समस्या ही नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए एक और सेंटेंस ले लेता हूं। फोर सेंटेंसेस अभी अपने कंप्लीट कर लिए हैं। नंबर फिफ्थ, द मिनिस्ट्री, यदि अपन मिनिस्ट्री की बात करें, इन देयर opinions, regarding the foreign policy, मित्रों वोज या वर्मे से फिल करना है, जल्दी देखिएगा। सेंटेंस नंबर फाइव, आगे चलिएगा। The committee dash issued its report. Has या have आ गया है, make it fast. One more sentence आपके लिए लेकर आया हूं। Divided on one माइनर पॉइंट, इजी आर मित्रों, जल्दी कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब। जल्दी करिए दोस्तों, मेक इट फास्ट। जल्दी करिए, मेक इट फास्ट। चलिए लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं यहां से। आ जाओ, ये तो देख लिया आपने पहला सेंटेंस, द मिनिस्ट्री डैश डिवाइडेड। एक तो डिवाइड भी बता रहा है, अलगाव का बोध हो रहा है दोस्तों, ठीक है। इन देयर ओपिनियंस, और सबसे बड़ी बात है देयर बता रहा है, तो देयर के कारण आपको भी पता है वर आ जाएगा मित्रों। आगे चलिए, द कमेटी डैश इश्यूड इट्स रिपोर्ट। इट्स के कारण भी पता चल रहा है, इश्यू करना, कोई भी रिपोर्ट इश्यू कब किया जाता है, जब सबके सिग्नेचर हो, सब सहमत हो, ठीक है।
ये लीजिए मित्रों, हैज इश्यूड, द कमिटी डैस डिवाइडेड, फिर डिवाइड आ गया है ऑन वन माइनर पॉइंट, इसमें कोई देयर इट्स नहीं है, लेकिन डिवाइड से हमें पता चल रहा है अलगाव, सेपरेशन का बोध हो रहा है मित्रों। तो द कमिटी यहां क्या आ गया है, आर डिवाइडेड, इस प्रकार से देख लिया है। ठीक है दोस्तों, जैसे द टीम क्वारलिंग विद वन अनदर, मित्रों बताओ इज और आर में से क्या लगना है, जल्दी बताइए। द लास्ट सेंटेंस रिगार्डिंग दिस रूल, द टीम डैश क्वारलिंग, क्वारल करना, लड़ाई झगड़ा करना, बताइए जरा, लड़ाई झगड़ा करने से इस सेंटेंस में इस वर्ड को हमने पकड़ा, ना तो इट्स आया ना देयर आया, अब क्या करें, लड़ाई झगड़ा करने से अलगाव होता है या फिर सेपरेशन, आपने देखा सेपरेशन होता है या यूनिटी का बोध होता है, अलगाव का बोध हो रहा है, तो आपने सिंपली बना दिया द टीम आर क्वारलिंग विद वन अनदर, एक दूसरे से टीम क्या कर रही है दोस्तों, लड़ झगड़ रही है। आर यू गेटिंग मी, विशेष ध्यान आप लोगों को इस पर देना है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट रूल की ओर आपको लेके चलता हूं, आगे बढ़ते हैं। ये रहा मित्रों ए प्लस कलेक्टिव नाउन, कोई भी कलेक्टिव नाउन आ जाए मित्रों, प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब आ रहा है मित्रों, किसके अनुसार आ रही है ये वर्ब, सिंगुलर ए प्लस कलेक्टिव नाउन वाले के अनुसार। यदि इस प्रकार की संरचना कहीं पर भी आ जाए, ठीक है, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन इज यूज्ड एज ए यूनिट, तो ये यहां पर अनडिवाइडेड होता है। जैसे आप कई बार बोलते हो ना, ए टीम ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए सीरीज ऑफ, ए गैलेक्सी ऑफ, उसी प्रकार से ए पैनल ऑफ, एन आर्मी ऑफ, ए ट्रूप ऑफ, ए बैच ऑफ, ए क्लास ऑफ, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। जैसे आपने ए बंडल ऑफ, ए पैकेट ऑफ, क्या आ गए मित्रों, ए बंडल ऑफ, ए पैकेट ऑफ, आर यू गेटिंग मी, ऐसा आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ए हर्ड ऑफ, ए फ्लीट ऑफ, ए क्राउड ऑफ, ए गैंग ऑफ, तो क्या देखा आपने, देखो ए आ जाए दोस्तों, कलेक्टिव नाउन आ जाए, और उसके बाद ऑफ आ जाए, और उसके बाद जो भी प्लूरल नाउन आए वर्ब सिंगुलर लगाएंगे इसी के अनुसार। आर यू गेटिंग मी, जैसे ए ग्रुप ऑफ पीपल, देयर वॉज या वर की बात आ गई है दोस्तों, ए ग्रुप ऑफ पीपल ए सेट ऑफ बुक्स, द ऑफिस, ठीक है,
एट्रोप ऑफ सोल्जर्स बिफोर द कोर्ट। जल्दी बताइए मित्रों क्या आना है, मेक इट फास्ट, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करें। मेक इट फास्ट। आ जाओ जरा। ए ग्रुप ऑफ, इसके अनुसार ए ग्रुप ऑफ पीपल, तो यहां पर वो जो स्टैंडिंग आएगा वर नहीं आएगा, पीपल के अनुसार नहीं, इसके अनुसार। ए सेट ऑफ बुक्स, तो यहां पर इसके अनुसार हैज बीन सोल्ड। ए ट्रूप ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स का जो एक ट्रूप था हैज बीन डिप्लॉयड। डिप्लॉय करना दोस्तों, डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना। लीजिए दोस्तों ये वर्ब है तैनात करना, बीच बीच में जो भी वर्ब आ रही है किसी चीज को क्या करना, पोजीशन कर देना, स्टेशन कर देना, खड़ा कर देना। स्टेशन नाउन नहीं है, वर्ब की तरह है, ठीक है ना। लोकेट कर देना, तैनात करना, पोजीशन आ गया, स्टेशन आ गया, लोकेट आ गया, ठीक है दोस्तों। इंस्टॉल करना या फिर पोस्ट कर देना, बोलते हैं ना उनको, वहां पर पोस्ट कर दिया है, आपकी पोस्टिंग कहां, इसी प्रकार से तो बोलते हैं अपन, ठीक है दोस्तों। पोजीशन करना, स्टेशन करना, पोस्ट करना, इंस्टॉल करना, ठीक है, लोकेट करना, ऐसा आप लोग देख सकते हैं। आर यू गेटिंग मी? विशेष ध्यान देना है तैनात करने के लिए। तो डेप्लॉय, बहुत सारे एक सैनिकों की टुकड़ी, आपने कहा कि एलएसी पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, पे क्या कर दिया गया, तैनात कर दिया गया है। तो ये हमारा क्या रूल था दोस्तों, ए प्लस कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन आने पर आप हमेशा ही वर्ब सिंगुलर लगाएंगे ए प्लस कलेक्टिव नाउन के अकॉर्डिंग। जैसे ए ट्रूप ऑफ सोल्जर्स, ये प्लूरल है, कोई मतलब नहीं, हमें ए ट्रूप के अनुसार आएगा। आर यू गेटिंग मी? विशेष फोकस आप लोगों को करना है। तो मित्रों कलेक्टिव नाउन के बारे में अपने जमकर पढ़ लिया है, हमने देख लिया कि किस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, जैसे आपने बोल डाला दोस्तों, ए बंच ऑफ कीज ऑन द डेस्क इज या आर में से बताओ दोस्तों। तो मैं यहां चाबियों की बात नहीं करूं, चाबियों का एक गुच्छा पड़ा है किसके ऊपर, डेस्क के ऊपर। तो दोस्तों इस ए बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा है, वो किसके ऊपर पड़ा है मित्रों, डेस्क के ऊपर पड़ा है। आर यू गेटिंग मी? विशेष ध्यान देना है, ओके। चलते हैं अब थोड़ा सा आपको एक और नए और बेहतरीन रूल की तरफ लेकर चलता हूं। सुना होगा आपने एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। आइए मित्रों, एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी, इतने नए अंदाज में आप इस रूल को देखेंगे। आज के दोनों रूल अच्छे हैं मित्रों। प्रॉक्सिमिटी का मतलब दोस्तों क्या होता है, नजदीकता होता है। क्या होता है मित्रों? नजदीकता होता है, प्रॉक्सिमिटी, ठीक है। जैसे मैं इधर लिखूं प्रॉक्सिमिटी इज अ नाउन, नजदीकता, आप चाहो तो दोस्तों नियरनेस आ जाएगा, क्लोजनेस आ जाएगा, ऐसे दोनों शब्द काफी शानदार हैं, ठीक है। या फिर आप लगाना चाहो तो जैक्से पोजीशन भी आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। जे यू एक्स टी ए पी ओ एस आई टी आई ओ एन, अच्छा शब्द है दोस्तों, जे यू एक्स टी ए, तो प्रोनंसिएशन इसका होएगा जैक्से पोजीशन। जेक्स्टर पोजीशन का मतलब ही बिल्कुल ऐसे नजदीकता के सेंस में आएगा, ठीक है दोस्तों। विशेष ध्यान देना,
विसिनिटी का मतलब ही नजदीकता ही होता है, बोलते हो ना विसिनिटी, 100 के नजदीकता तो विसिनिटी होगी, 100 की विसिनिटी, ऐसे कुछ शब्द हो गए हैं। तो प्रॉक्सिमिटी आपके बीच बीच में पर्यायवाची शब्द भी मित्रों बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है। प्रॉक्सिमिटी शानदार शब्द है दोस्तों, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी आप लोगों ने बोल दिया है, नियरनेस बोल दिया है, क्लोजनेस बोल दिया है, जक्स्टपोजिशन बोल दिया है, और एक और आ गया विसिनिटी, आसपास को बोलते हैं। बोलते हैं ना 100 के आसपास की कोई भी संख्या उठा लो तो वो विसिनिटी को ही रिप्रेजेंट कर रही है। तो एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्या कहता है, नजदीकता की गलती, नजदीकता की गलती। दोस्तों ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अपन फिर भी बार बार इस रूल को पढ़ने के बावजूद अपन धोखा खा जाते हैं, क्योंकि बुकिश नॉलेज के आधार पर अपन इसका इसका जो पढ़ने का तरीका है ना वो अलग ही तरीके से हम पढ़ते हैं। दोस्तों एक बात का याद रखना, कोई भी नाउन आ जाए, विशेष ध्यान देना आपके लिए लिख रहा हूं, नाउन आ जाए या नाउन इक्विवेलेंट, नाउन के समकक्ष कोई भी शब्द चाहे वो प्रोनाउन आ जाए, उसके बाद मित्रों कोई भी प्रेपोजिशन आ जाए, उसके बाद फिर से कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाए, नाउन इक्विवेलेंट बोले तो नाउन के समकक्ष, ठीक है मित्रों, उसके बाद फिर से प्रेपोजिशन आ जाए, उसके बाद फिर से कोई नाउन या नाउन इक्विवेलेंट आ जाए, ऐसे कुछ भी चलता रहे दोस्तों। तो जो यहां पर जो वर्ब आप लोग लगाने वाले हैं मित्रों, याद रखना पहले वाली नाउन क्या है, नाउन फर्स्ट, दूसरे वाली का नाम नाउन सेकंड, ये क्या है दोस्तों नाउन थर्ड, ऐसे चलने दो चलते जाएगा। यहां पर जो भी वर्ब आएगी ना दोस्तों वो वर्ब हमेशा नाउन फर्स्ट के अनुसार आएगी। आप ये मत सोचना कि ब्लैंक स्पेस से पहले क्या रखा उसके अकॉर्डिंग नहीं आएगी। दोस्तों यदि किसी भी सेंटेंस में यदि हम बात करें, याद रखना दोस्तों इफ टू और मोर नाउन्स और प्रोनाउन्स आर जॉइंड बाय ए प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशंस, याद रखना दोस्तों इफ टू और मोर देन नाउन्स या प्रोनाउन्स आर जॉइंड बाय ए प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशंस, एक प्रेपोजिशन या प्रेपोजिशन से जुड़े हो, द वर्ब मस्ट अग्री विद द नाउन और प्रोनाउन दैट प्रीसीड्स द फर्स्ट प्रेपोजिशन, द वर्ब मस्ट अग्री, ठीक है, वर्ब किससे अग्री होएगी, द नाउन और प्रोनाउन दैट प्रीसीड्स द वेरी फर्स्ट प्रेपोजिशन। दोस्तों हमेशा जो पहला प्रेपोजिशन है इससे पहले वाली नाउन या प्रोनाउन के अनुसार वर्ब आती है। मित्रों ध्यान देना, यदि किसी सेंटेंस में, फिर से कह रहा हूं, यदि किसी सेंटेंस में नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन प्लस प्रेपोजिशन चलता जाए इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन, तो इस प्रकार के कंस्ट्रक्शन में जो भी वर्ब आप लगाने वाले हैं दोस्तों वो फर्स्ट नाउन के अनुसार लगाने वाले हैं। पीछे वाले रूल में आपको बेहतरीन एग्जांपल देता हूं, ठीक है, ए बंक नहीं दोस्तों, बंच बंच बंच, सी एच, ध्यान देना इसी को पढ़ते हैं एक बार वापस से। चलिए ए बंच क्या हो गया दोस्तों, नाउन फर्स्ट आ गया, ये प्रेपोजिशन आ गया और नाउन टू आ गया मित्रों, तो जो भी यहां पर वर्ब आ रही है वो किसके अनुसार आ रही है, फर्स्ट के अनुसार आ रही है कि नहीं आ रही है दोस्तों, आ रही है कि नहीं आ रही है, आर यू गेटिंग मी। चलिए जरा एक बार फिर से एक एग्जांपल आप लोगों के सामने रखता हूं, एग्जांपल के माध्यम से आप बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। द वेरी फर्स्ट एग्जांपल आप लोगों के सामने कह दिया, द स्टूडेंट्स ऑफ मैक्स करियर अकेडमी, द स्टूडेंट्स ऑफ मैक्स करियर अकेडमी एट सीकर इन राजस्थान लेबोरियस इज या आर, द क्वालिटी ऑफ दीज मैंगोस नॉट अप
टू द मार्क। इज या आर, ठीक है दोस्तों। द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी एंड सच अदर एंड सच अदर एंड सच अदर विदाउट एनी इफेक्ट। हैज या हैव की बात आ गई। जल्दी कीजिएगा, मेक इट फास्ट। आपको फिल इन द ब्लैंक्स के माध्यम से करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की बात करनी है, जल्दी करिए मित्रों। होपफुली आप अच्छा करेंगे, जल्दी कीजिए। एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी काफी शानदार रूल है मित्रों, जल्दी कीजिए। चलिए डिटेल में पढ़ रहे हैं, दैट्स व्हाई टाइम लग रहा है और आपको बेहतरीन टाइम भी दिया जा रहा है, इतनी कोई जल्दबाजी नहीं है। द स्टूडेंट्स ऑफ मैक्स करियर एकेडमी एट सीकर इन राजस्थान डैश वेरी लेबोरियस। मैं इसको थोड़ा और भी बड़ा कर सकता हूं चाहो तो, इस सेंटेंस को कितना भी बड़ा कर लो। लो The students of my class at academy Sikar in Rajasthan वेरी लेबोरियस। ये रहा मित्रों, देखो दोस्तों, द स्टूडेंट्स नाउन फर्स्ट है, आर प्रेपोजिशन है, माय डिटरमिनर क्लास नाउन टू आ गया, एट प्रेपोजिशन है, मैक्स करियर एकेडमी पूरा नाउन थ्री है, एट क्या है प्रेपोजिशन है, सीकर क्या है नाउन फोर है, इन क्या है प्रेपोजिशन है, राजस्थान क्या है नाउन फाइव है। कितना भी बड़ा कर दो वेरी लेबोरियस। एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी तो प्राय क्या करता है अपने को कि खालिस्तान से पहले ब्लैंक स्पेस, आपने देखा मित्रों कि खालिस्तान से पहले तो राजस्थान है, तो राजस्थान के अकॉर्डिंग तो ये जाना चाहिए। तो बताओ वेरी लेबोरियस, ज्यादा मेहनती राजस्थान है या स्टूडेंट्स हैं। तो ये दोस्तों जो यहां पर वर्ब आने वाली है वो फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग आए, इसीलिए बोलते हैं एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी, नजदीकता का। हम क्या करते हैं ब्लैंक स्पेस से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार वर्ब फिल कर देते हैं मित्रों, विशेष ध्यान देना है। जैसे इसी को देखो, द क्वालिटी याद रखना दोस्तों, द क्वालिटी ऑफ दीज मैंगोज, क्वालिटी दोस्तों नाउन फर्स्ट है, अब क्या है प्रेपोजिशन है, These mangoes noun क्या है दोस्तों थर्ड है, ये mangoes वाला सॉरी थर्ड कहेगा सेकेंड है, noun first plus preposition plus noun second, not up to the mark,
नॉट अप टू द मार्क, तो बताओ अप टू द मार्क क्या नहीं है? मैंगोज नहीं है, मैंगोज की क्वालिटी नहीं है लगभग। तो ब्लैंक स्पेस से पहले मैंगोज को देखकर सोचा कि आर लगा देते हैं, आर नहीं आएगा, इसके अनुसार क्या आएगा मित्रों? इच आएगा। इसीलिए कहते हैं एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी, नजदीकता का रूल। ठीक है भाई, द क्वालिटी ऑफ दीज मैंगोज इज नॉट अप टू द मार्क। मूविंग ऑन, आगे लेके चलते हैं द इंट्रोडक्शन। ये रहा मित्रों इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन हो गया है नाउन फर्स्ट। आगे देखिएगा प्रेपोजिशन, टी एंड कॉफी एंड सम अदर बिवरेजेस, पूरा का पूरा क्या हो गया? नाउन टू हो गया है। तो यहां पर नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट, तो ये इंट्रोडक्शन के लिए आया है, तो यहां पर हैज आएगा, हैव नहीं आएगा मित्रों, याद रखना भाई। ठीक है भाई, मेरे हिसाब से यहां तक आपको किसी को भी दिक्कत कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। Are you getting me? Any problem, my dear? ठीक है, चलिए एक और सेंटेंस। His knowledge of Indian vernaculars, फिर से देखिएगा, his knowledge of Indian vernaculars far beyond the common, is या आर में से भरना है मित्रों? जल्दी बताइए, ज्यादा टाइम नहीं है, make it fast। His knowledge of Indian vernaculars, ठीक है, make it fast। आइए, his knowledge, noun first, preposition, इंडियन वर्नाक्यूलर्स होती है जो भारत में आम बोलचाल में भाषा काम में लेने वाली, फार बियॉन्ड द कॉमन, तो यहां वर्नाक्यूलर्स के अनुसार लगभग आर लगाएंगे, लेकिन ये तो नाउन फर्स्ट के अनुसार वर्ब गवर्न होगी मित्रों, इसीलिए यहां पर आप लोगों को क्या लगाना है बताओ? इज लगाना है। हिज नॉलेज ऑफ इंडियन वर्नाक्यूलर्स क्या था बोलो? हिज नॉलेज ऑफ इंडियन वर्नाक्यूलर्स इज फार बियॉन्ड द कॉमन, is far beyond the common। चले दोस्तों आगे, एक एक चीज पर आप लोगों को अच्छे तरीके से फोकस करते रहना है। तो ऐसा कुछ आपने देखा है, ठीक है, तो पहला आज अपने कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ा, दूसरा अब ये वाला जो रूल है अभी आप पढ़ रहे हैं, ये कोई रूल थोड़ी ना है, अब इसको आप फालतू में कोई रूल बनाओ, ए प्लस कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ ऑफ, वही बात है, प्रेपोजिशन से पहले आने वाला नाउन या प्रनाउन ही किसी सेंटेंस का क्या होगा बोलो? ठीक है, जैसे यहां पर एक ये सेंटेंस आ जाए, देखो, ए सीरीज ऑफ फोर मैचेस बिटवीन India and England being played, मित्रों वो का वही रूल है, चिंता नहीं करना है बिल्कुल भी। A series, noun first, of क्या है? Preposition। Four matches क्या है? Noun second। Between क्या है? Preposition। और India and England पूरा का पूरा noun three। तो यहां पर जो ये वर्ब आनी है वो सीरीज के अनुसार आनी है, इज ए सीरीज ऑफ फोर मैचेस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड इज बीइंग प्लेड, खेली जा रही है। तो रूल्स को क्रैम नहीं करना है मित्रों, रटना नहीं है, आसानी से आपको आगे बढ़ना है। आर यू गेटिंग मी? मूविंग ऑन, थोड़ा सा और आगे आप लोगों को लेके चलता हूं एक और बेहतरीन रूल के साथ, और वो रूल आ गया है दोस्तों, हम बात करें वेट की, या फिर मेजरमेंट की,
या फिर टाइम की या फिर डिस्टेंस की या फिर अमाउंट की, यह रहा मित्रों। विशेष ध्यान देना, एक और बेहतरीन रूल से आपको मुखातिब करवाने जा रहा हूं दोस्तों। वेट है, मेजरमेंट है, अमाउंट है, टाइम है, डिस्टेंस है, ठीक है। जब कोई भी आपका प्लूरल जो न्यूमरल है वो एक पर्टिकुलर वेट, अमाउंट, टाइम, डिस्टेंस आदि को डिनोट करता है, तो आप लोग याद रखना दोस्तों, सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है। जैसे मैं अभी बता देता हूं क्या आ जाए, इनसे किसी सर्टन वेट सर्टन अमाउंट सर्टन टाइम सर्टन डिस्टेंस सर्टन हाइट, कुछ भी देख लो, मेजरमेंट में आ गए ना, बोले तो किसी पर्टिक्यूलर की बात करता हूं। विशेष या फिर निश्चित, जो भी बोलना चाहो दोस्तों, निश्चित वजन, निश्चित राशि, निश्चित समय, निश्चित दूरी, निश्चित ऊंचाई आदि का बोध हो और ये किसी कर्ता के, किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, तो दोस्तों सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। व्हेन ए प्लूरल नाउन, ठीक है, नाउन का मतलब न्यूमरल प्लस प्लूरल डिनोट सम पर्टिकुलर वेट, मेजरमेंट, अमाउंट, टाइम एंड डिस्टेंस एज ए होल, ये जब इनको आप कैसे यूज कर रहे हो दोस्तों, एज ए होल यूज कर रहे हो, एज ए होल का मतलब एक एक यूं यूनिटी के तौर पे यूज करते हो, तब तो क्या यूज होगा बोलो, सिंगुलर वर्ब यूज होगा। और जब ये नॉट, जब ये डिफरेंट नंबर की बात करे दोस्तों, किसकी बात करे बताओ, डिफरेंट या फिर सेपरेट अमाउंट की बात करें, डिफरेंट या फिर सेपरेट अमाउंट की बात करें मित्रों, सेपरेट अमाउंट, डिस्टेंस, तब ये क्या आएगा बताओ, सिंगुलर सॉरी प्लूरल वर्ब लेगा। दोस्तों ध्यान देना, यदि किसी वाक्य के कर्ता के रूप में निश्चित वजन, निश्चित राशि, निश्चित समय, निश्चित दूरी, निश्चित ऊंचाई का बोध हो और वो एज ए होल यूज हुआ हो, एज ए होल का मतलब एकजुटता का बोध हुआ हो, मैं फिर से बता देता हूं, यहां देखिएगा क्या देखा आपने, प्लूरल न्यूमरल प्लस प्लूरल नाउन आ जाए, न्यूमरल संख्या बताने वाले, यदि वो एज ए होल आपको बता रहे हैं मित्रों, तब तो ले लेंगे सिंगुलर वर्ब, और वो यदि सेपरेट या फिर डिफरेंट नंबर की बात करें मित्रों, तब आप लोग देखना प्लूरल वर्ब आ जाएगी, ये रहा, निश्चित वजन, निश्चित दूरी, निश्चित राशि। जैसे पहला ही सेंटेंस आ गया है, 5 miles इज आर एम की बात कर रहे हैं मित्रों। अब देखो, 5 numeral है, प्लूरल है, माइल्स ये रहा प्लूरल नाउन, तो ये 5 मील जो है दोस्तों
आपने कहा 5 मील तो बहुत लंबा है रास्ता चलने के लिए, तो 5 miles इज अ लॉन्ग वे टू वॉक, इज अ लॉन्ग वे टू वॉक। आगे देखिएगा, $10 lakhs तो ये 10 लाख का एक पूरा का पूरा क्या हो गया है, एक निश्चित अमाउंट हो गया है। ये रहा 10 lakhs इज अ बिग अमाउंट फॉर मी टू पे, 10 लाख जो है एक बड़ा अमाउंट है मेरे लिए चुकाने के लिए। आगे चलिए दोस्तों, आपने फिर से सेंटेंस बोल डाला है, 3 hours या 3 hours सफिशियंट टाइम To solve this paper, ये रहा दोस्त 3 hours। तो यहां पर 3 hours के लिए क्या यूज कर दिया है आपने पूरा, 3 hours इज ए सफिशियंट टाइम टू सॉल्व दिस पेपर। आर यू गेटिंग मी, विशेष ध्यान देना। आगे चलिए, 5 feet is not a long distance, sentence को छोड़िए इसको, ये रहे 3 sentences are sufficient for you all, आपके लिए काफी हैं, ठीक है। एक एक सेंटेंस पर विशेष फोकस आप लोगों को करना है। आगे चलिए दोस्तों, जैसे आप एक निश्चित अमाउंट और देख लो, $50 liters of petrol required for this journey। ये जो जर्नी है मित्रों, इसके लिए 50 liter, 50 liters, तो पेट्रोल के अनुसार उसके अनुसार आएगा एज। तो दोस्तों एज ए होल की तरह यूज हुआ है, ठीक है। अब चलिए, यहीं पर ही मैंने कहा 5 months passed since we met, हैज या हैव की बात आ रही है, विशेष ध्यान देना है, 5 months dash passed since we met। आगे देखिएगा, $20 lakhs been spent या फिर 20 lakh रुपीस स्पेंट सो फार हैज या हैव, जल्दी कीजिए मित्रों, 20 lakh रुपीस हैज या हैव, जल्दी बताइए, मेक इट फास्ट। एक एक चीज पर फोकस कीजिए, अब सुन लो अच्छे तरीके से, समझ भी लो, 5 months डैश पास्ट सिंस वी मीट, तो 5 महीने को कलेक्टिवली नहीं देख रहे, सेपरेट हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, गुजर रहे हैं। तो यहां पर आपने क्या बोल दिया, हैव पास्ट सो फार, ठीक है,
पांच महीने बीत चुके हैं, मैं कलेक्टिवली नहीं बता रहा हूं। अच्छा एक तो मैंने क्या बता दिया कि सर इस एग्जाम के लिए, तो मैंने बोला 5 मंथ्स जो हैं, ठीक है 5 मंथ्स इज अ सफिशियंट टाइम फॉर दिस एग्जाम, ये लॉजिक फॉर प्रिपरेशन। तो यहां पर क्या आएगा, इज आएगा, आर नहीं आएगा, कलेक्टिवली देख रहे हैं। वैसे नीचे देखो 20 लाख रुपीज, जो 20 लाख रुपया जो था वो स्पेंट खर्च किया जा चुका है, सेपरेट हुआ है, कलेक्टिवली नहीं देख रहे हैं कि 20 लाख, 20 लाख मेरे लिए सफिशियंट है, तो वो तो कलेक्टिवली देख रहे हैं। और ये स्पेंट करना, पास हो जाना, ऐसी वर्ब्स के साथ जरूर आप इसी प्रकार की प्लूरल वर्ब ही यूज करने वाले हैं। ये लो आज हमने मित्रों कलेक्टिव नाउन के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस कर लिया। कलेक्टिव नाउन के अलावा आज आप लोगों ने निश्चित एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी के बारे में आपने देखा, काफी शानदार रूल था, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन प्लस प्रेपोजिशन, फर्स्ट नाउन के अनुसार प्रेपोजिशन से पहला जो प्रेपोजिशन होता है दोस्तों उसे पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार वर्ब गवर्न करवाएंगे। और फाइनली इवेंचुअली अपन लोगों ने क्या देखा मित्रों, निश्चित वजन, निश्चित दूरी, निश्चित राशि, निश्चित ऊंचाई, निश्चित कोई भी दूरी समय आदि के लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाएं, लेकिन यदि उनसे सेपरेशन का बोध हो या डिफरेंट नंबर की बात हो रही हो इन दैट केस आप लोग क्या लगाने वाले हैं, प्लूरल लगाने वाले हैं। दोस्तों ये आज का सेशन रहा, आशा करता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको देख रहे होंगे, अच्छा बेनिफिट भी उठा रहे होंगे। सुनने से शिखर तक पहुंचने के लिए लगातार हमसे जुड़े रहिए। मैं आपका दोस्त मिस्टर मैक्स, प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों से इस बात के साथ विदा लेना चाहता हूं कि निरंतर अध्ययन करते रहें, आज के लिए इतना काफी है। कल के एक और नए एपिसोड में बोले तो क्लास नंबर 12 लेकर फिर से हाजिर होऊंगा, हार्डली 1 और 2 क्लासेस और बची हैं। देखो दोस्तों कितना डिटेल में अपन लोग देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जोड़ते हुए और शेयर करते हुए यूं ही अपने ज्ञान रूपी भंडार को बढ़ाते चले जाइए। और मिलते हैं एक और नए एपिसोड में। जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत।